वेलकम टू मेंटल ट्रिक्स। जैसे कि आपको याद होगा कि हमारी पिछली वीडियो में हमने बोला था कि इस चैप्टर का आगे का एक्सप्लेनेशन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब चलिए आगे का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। चैप्टर 9 एयर एंड वाटर। टॉपिक इज क्लीनिंग वाटर। द मेथड्स ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर डिपेंड ऑन वेदर द इम्प्योरिटीज आर डिसॉल्वड इन इट और नॉट। मेथड्स ऑफ प्यूरिफाइंग करने के लिए वाटर डिपेंड करता है वेदर इम्प्योरिटीज आर डिसॉल्व है उसमें या नहीं है। फर्स्ट, रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। अब हम देखेंगे जो हमें दिख सकती है इनसॉल्युबल, जो हमें दिख सकती है उनको रिमूव कैसे करें। पहले इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन बी रिमूव वेदर इन मेथड से रिमूव हो सकती है। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। The soil settles down because it is heavier than water and insoluble in it. This is called sedimentation and the impure particles which settle down are called sediments. The soil settles down, नीचे soil settle हो गया because it is heavier था than the water से and insoluble है ये इसमें। इसको हम बोलते हैं sedimentation और जो impure particles होते हैं उनको बोलते हैं sediments. Now continue the activity 9. The process of pouring out of the clear water into another tumbler after sedimentation without disturbing the settled impurities is called decantation. Process हो जो pouring out of the clear water को उसमें दूसरे beaker में डालना clear water को into another tumbler after sedimentation के बाद without disturbing the settled impurities को disturb नहीं करना it is called decantation बोलते हैं। Filtration, the method, second filtration, the method of removing insoluble impurities from water by making it pass through a filter is called। अब जो method है removing insoluble impurities करने के लिए from water से, ये इससे हम कोई वो लेंगे कंटेनर लेंगे उसके अंदर कोई फिल्टर या कोई कपड़ा लगा देंगे और फिर पोर करो क्लियर वाटर उसमें आ जाएगा, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेशन। सेकंड इज रिमूविंग सॉल्यूबल। अब जो हमें दिख नहीं सकती उन इम्प्योरिटीज को हम कैसे रिमूव करें। सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर कैन बी रिमूव हो सकती है बाय द फॉलोइंग मेथड से। वेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर बाय हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ऑन हीटिंग ऑन द वाटर इवेपोरेट्स लीविंग इम्प्योरिटीज बिहाइंड, देन वेपर्स आर कलेक्टेड एंड कूल डाउन टू गेट प्योर वाटर। अब जो प्रोसेस है जो सेपरेट कर देता है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हीट करके इस कॉल्ड उसको इवेपोरेशन बोलते हैं। हीटिंग से द ओनली वाटर जो होता है वेपोरेट्स होता है इम्प्योरिटीज को यहीं छोड़ जाता है। वेपर्स आर कलेक्टेड हो जाते हैं एंड कूल डाउन हो जाते हैं टू गेट प्योर वाटर के लिए। सेकेंड इज डिस्टिलेशन। द वाटर इज लॉस्ट इन द एयर ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो वाटर है वो लॉस्ट हो जाता है एयर में ही ड्यूरिंग इवेपोरेशन के टाइम। हाउएवर In the process of distillation, the water vapor is changed back into water. A setup is called for distillation. In its process, soluble impurities are separated and clean water is obtained separately. This clean water is called distilled water. अब आप लोग सोच रहे होंगे अभी distillation क्या है? In the process जो होता है distillation, वाटर वेपर जो होता है चेंज बैक इनटू वाटर में आ जाता है वापस। अ सेटअप इज यूज फॉर डिस्टिलेशन के लिए सेटअप होता है एक। इन दिस प्रोसेस सॉल्युबल इम्प्योरिटी सेपरेट हो जाती है एंड क्लीन वाटर आ जाता है हमारे पास। इस क्लीन वाटर को हम डिस्टिल वाटर और ये सबसे प्योर फॉर्म होता है वाटर का सबसे प्योर फॉर्म होता है। In the process of distillation, the impure water solution is heated in a flask fitted with a glass tube in a cup. The water vapor forms passes through the glass tube while the impurities remain behind in the flask. The glass tube is cooled from outside by circulating cold water around it. The water vapor comes in contact with cold test tube and condenses to form water.
This condensed water vapor is collected in another flask. प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन के प्रोसेस में जो इम्प्योर वाटर होता है सॉल्यूशन हीटेड होता है सबसे पहले एक फ्लास्क में फिटेड विद अ ग्लास ट्यूब से फिटेड रहते हैं ना कॉर्क में. ये देखो इसमें एक पिक्चर दे रखी है उसमें ये इम्प्योर वाटर है फ्लास्क में फिटेड हो रखा है हीट हो रहा है नीचे से और ये जो ट्यूब्स है इसको कॉर्क बोलते हैं. ठीक है. Now water vapor form pass through a glass tube से होता है glass tube से जाता है सब इधर while the impurities जो होती है behind in the इसी flask में रह जाती है impurities और ये जो glass tube दिख रही है इसमें से चल जाता है वो water तो clean water. ग्लास ट्यूब इज कूल्ड हो जाती है. ग्लास ट्यूब जो है ये कूल्ड होती है फ्रॉम आउटसाइड से बाय सर्कुलेटिंग कोल्ड वाटर आ जाता है इसमें अराउंड इट इसके चारों ओर. द वाटर वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टेक्ट में आता है इसके विद द कोल्ड टेस्ट ट्यूब एंड कंडेंसेस होता है टू फॉर्म वाटर बनाने के लिए. दिस कंडेंस वाटर इज कलेक्टेड अनदर फ्लास्क में कलेक्ट हो जाता है. इस प्रोसेस को पूरे प्रोसेस को डिस्टिलेशन purification of water. We are blessed with powerful resources like air. Purification of water. We are blessed with powerful resources like air and water, but many of our activities are polluting these resources. We need to follow habits that help to reduce pollution. वी आर ब्लेस्ड है विद पावरफुल रिसोर्सेस होते हैं लाइक एयर एंड वाटर. अभी हमने पढ़ा कितने जरूरी होते ये एक्टिविटीज के लिए. आप पॉल्यूटिंग दिस हम इन रिसोर्सेस को पॉल्यूट कर रहे हैं. वी नीड टू फॉलो हैबिट्स फॉलो करनी है हमें टू रिड्यूस कम करने के लिए पॉल्यूशन. इम्प्योर वाटर इफ यूज फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग कैन लीड टू डिजीजेज लाइक टाइफॉइड कोलेरा जॉर्डन्स एक्सेट्रा. Therefore, purification of water necessary before its consumption. Impure water जो होता है is used होता है. If used होता है ये for cooking हम खाना बनाने के लिए use और पीने के लिए use लेते हैं गंदा पानी को हमें बहुत सारे diseases हो सकते हैं like कौन कौन से typhoid, cholera and jaundice. Purification of water necessary है before its consumption से पहले. एट होम. अब होम पर कैसे हम प्यूरिफाई कर सकते हैं वाटर को. वी कैन प्यूरिफाई वाटर एट होम बाय बॉइलिंग फिल्टरिंग यूजिंग प्यूरिफायर आर ओ रो रिवर्स ओसमोसिस सिस्टम. वी कैन प्यूरिफाई कर सकते हैं वाटर होम पे बाय बॉइलिंग और फिल्टरिंग करके यूजिंग प्यूरिफायर को यूज करके आर ओ रिवर्स ओसमोसिस. फुल फॉर्म क्या आर ओ की रिवर्स ओसमोसिस सिस्टम. फर्स्ट boiling water for 10-15 minutes helps in destroying the germs present in it. This water can be stored in clean covered containers. Boiling water जो होता है for 10-15 boiling water 10-15 minutes होना चाहिए. Water boil 10-15 minutes help in destroy करता है germs को उसमें जो होते हैं और इस water को फिर clean covered containers में रखना चाहिए. Second is water filters. Purifiers, RO system also purify water. These should be clean and serviceable. Water filters और जो purify RO system बोलते हैं उससे purify करते हैं water को. ये clean होने चाहिए और service होने चाहिए regular basis पर. Potassium permanganate can also be used water purification के लिए. Potassium permanganate भी काम आता है. अब at waterworks. अब आपको पता है वाटर वर्क्स का क्या मीनिंग है. मतलब जहाँ से आप लोगों के घर में सप्लाई होता है ना वाटर जहाँ से आता है उसको बोलते हैं एट वाटर वर्क्स. द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट प्यूरिफाइज द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट टू आवर होम्स इन द फॉलोइंग वेज. वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट जो होता है प्यूरिफाइज करता है वाटर हमारे होम से आने इन सब को फॉलो करके. सबसे पहले सेडिमेंटेशन होता है. आपने पढ़ाई था अभी हमने पढ़ा था सेडिमेंटेशन क्या होता है. अब पढ़ते हैं दोबारा. वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स. जो वाटर इज फर्स्ट कलेक्टेड इन लार्ज टैंक्स
What is made to stand undisturbed for some days in large sedimentation tanks? Here, all the solid and insoluble impurities settle down as sediment. Sunlight also kills many germs. Alum helps in sedimentation purification. अब जो वाटर होता है फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स इज फर्स्ट कलेक्टेड होता है लार्ज बहुत लार्ज टैंक्स में, फिर वाटर इज मेड रख देते हैं उसको बिल्कुल डिस्टर्ब करके ना फॉर सम डेज के लिए इन लार्ज सेडिमेंटेशन टैंक्स में रख देते हैं जहाँ पर सेडिमेंट होता रहता है कुछ डेज के लिए. ऑल द यहाँ पर ऑल द सॉलिड और जो इंसॉल्वेबल इंप्योरिटी सेटल डाउन एट द बॉटम पे सेटल हो जाती है सेडिमेंट्स की तरह. और सनलाइट जो होती है आपके घर में जो आती है ये जम्स को किल होती है. जो एलम होता है वो भी हेल्प करते हैं सेडिमेंटेशन एंड प्योरिफिकेशन में. सेकेंड इज फिल्ट्रेशन. क्लीन वाटर इज देन फिल्टर्ड होता है थ्रू सैंड बीड से सो डैट इवन स्मॉल इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज कैन बी. अब फिल्ट्रेशन क्लीन वाटर देन फिल्टर होता है थ्रू सैंड बेड्स में. इसमें देखो ये रख फिल्ट्रेशन टैंक सैड बैंड इवन इंसॉल्युबिलिटी कैन बी सेपरेटेड होती है. अब क्लोरीनेशन क्लोरीन इज एडेड टू फिल्टर वाटर में एड टू किल द जर्म प्रेजेंट इन इट. नाउ द वाटर बिकम्स अ सेफर ड्रिंकिंग. दिस सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज देन स्टोर्ड इन कवर टैंक एंड सप्लाई थ्रू पाइपलाइंस टू आवर होम. अब जो क्लोरीन होता है ये एडेड होता है टू द फिल्टर्ड वाटर में टू किल द जर्म्स को किल करने के लिए जो उसके अंदर होते हैं. नाउ द अब वाटर एकदम क्लियर हो जाता है टू सेफ हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए. अभी जो ड्रिंकिंग वाटर सेफ होता है ये बहुत बड़े कवर टैंक्स में रख देते हैं और पाइपलाइंस की मदद से हमारे घर में आ जाते हैं. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर मतलब चैप्टर 10 की वीडियो चाहिए तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं. चैप्टर 10 का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग मेंटल ट्रिक्स. भूलना मत अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलेगा मत.